टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिन के 8:30 बजे, क्योंकि अभी मेरा पी टी एम भी था। मैंने सोचा ब्लॉग बना लो, मम्मी भी उठी हुई है और अब सोना तो है नहीं मैं, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही और मम्मी तो वैसे भी नहीं सोएंगी। सैम देखो वहाँ पे सो रहा है, दिख नहीं रहा होगा। वरना मम्मी मम्मी करते हैं। आज सुबह ना मम्मी पार्क गई थी, अभी तो मम्मी ये खा रही है पपीता। कितने बजे गए थे मम्मी पार्क? 5:30। 5:30 अकेले गए थे? नहीं, प्रियंका बोल रही थी अकेली। तो चलो बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। बाहर तो वही ठंडा ही मौसम हो रहा है, धूप धूप नहीं निकल रही। मौसम तो सही हो रहा है बाहर और कोई है भी नहीं। टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं और मम्मी तो सोने चली गई। मम्मी को नींद आ रही थी इसलिए, और मेरे को तो नींद आई नहीं इसलिए मैं अभी फ़ोन चला रहा था थोड़ी देर पहले, और अभी मैं काम कर रहा हूँ अपने स्कूल का ही। तो गाइस फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया 1 घंटे के बाद, और ये सैम भी अभी जग गया है। मैं लग गया जैसे उठा, फिर मैं बाहर मम्मी को उठाने के लिए गया, फिर उठा मैं। और इसने अलमारी खोल रखी है और इसमें से पता नहीं क्या निकाल रहा है। सॉक्स और कैप्स, वो देखो 3-4 सॉक्स पहले ही निकाल लिए इसने। और एक ऊपर रख दिया, ये देखो मेरा नया सॉक्स। वो तो बोल दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या करना? लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाय। तो ये देखो मेरे को ये किससे मार रहा था, ये फ्री फायर में आउट हो गया। तो कितना बेकार लड़का है ये। अभी व्लॉग बना रहा हूँ तो चुप हो गया, वरना बहुत मार रहा था मुझे। देखो ये कैसे लेट गया। कुछ और थोड़ी ना हुआ, दूसरी गेम खेल ले, इसे छोड़ो। तो आज हम अभी करने वाले हैं एक चैलेंज। उस चैलेंज में मतलब ये होगा कि मैं बाहर से ओएस चिप्स वगैरह सब लाऊंगा और मम्मी और सैम के साथ करेंगे ये चैलेंज। और मतलब इस चैलेंज में होगा ये कि मैं बाहर से चीज़ें लाऊंगा और वो मम्मी को मैं मम्मी के आँख पे मैं कुछ लगा दूंगा जो मम्मी को दिखे ना, और फिर मम्मी गैस करेगी कि मैं उन मम्मी को खिलाऊंगा और मम्मी गैस करेंगी कि क्या है। सैम जिसने पहले बोला सैम और मम्मी में से वो जीत जाएगा। तो गाइस मैं इस कमरे में आ गया हूँ और मम्मी को मैंने बोला आना मत, और मैंने गेट भी बंद कर दिया मम्मी उस कमरे में, क्योंकि मम्मी ने चीज देख ली तो मम्मी को पता चल जाएगा तो चैलेंज ही क्या रह जाएगा। इसलिए मैं मम्मी को उधर बोल दिया आना मत इधर, और ये टील लाया हूँ मैं, और मैं ये लाया स्पेशली। ये मम्मी नहीं बता पाई ये पक्का ना तो सैम, क्योंकि मम्मी खाएंगी कहेंगी बादाम, पर ये बादाम नहीं कुछ और होता है। और मैं ये आम पापड़ भी ले आया हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें इसलिए नहीं लाया, मम्मी ने मना किया था मुझे, ज़्यादा पैसे नहीं दिए। गाइस अभी मम्मी के साथ हम प्रैंक भी करने वाले हैं, मम्मी और सैम के साथ मिर्ची खिला देंगे, किसी चिप्स विप्स के साथ मिर्ची खिला देंगे, तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। चीज़ जो है वो ये है, और मम्मी अब ये मम्मी और सैम कोई भी गैस नहीं कर पाएगा ये क्या है, कोई भी गैस नहीं कर पाएगा। और आप सोच रहे हो ये तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी बता देता है, पर इसका नाम पढ़ो एक बार आप, अरे गिरी इसका नाम पढ़ो, इसका नाम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो इसमें नाम बताने आप देख रहे हैं मम्मी क्या करेंगे। दोनों ने एक साथ बोला है क्रैक, थोड़ा सा वर्क था मम्मी ने थोड़ी पहले बोला, पर ये क्रैक्स है नहीं, ये क्रैक्स जैसा है पर इसका नाम अलग है, नाम बताओ। टेन नाइन, चलो फिर पास करते हैं।
पास कर रहा है तू नहीं ऊपर पर पास कर रहा है। तो ये है रिंगो स्टार इसका नाम। और मैंने पहले कहा था दोनों एक ही चीज बोलेंगे पर गलत बोलेंगे दोनों। पहले आए हैं एक और चीज और ये तो शायद मम्मी बता ही देंगी जितना मेरे को लगता है सैम भी बता देगा और मम्मी भी। तो चलो खुलाते हैं फिर देखते हैं। बिस्किट कोई भी बता देगा नाम तो बताओ उसका उसका फ्लेवर ना फ्लेवर बताने यहाँ नाम बताओ मारियो नाम नहीं पता पर इसके अंदर जो फ्लेवर है ना वो लाइची फ्लेवर है। फ्लेवर का मुझे क्या करना है नाम लाइची फ्लेवर नाम नहीं पता मुझे मैजिक वगैरह होगा मैजिक बिस्कुट पास कर दो मैजिक बिस्कुट नहीं पता मुझे पास कर दी तूने तू चुन्नी बार बार नीचे मत कर पास कर दी समझ नहीं आता ना तू क्या है। तो जितना मेरे को लगा मम्मी और शाम बता देंगे पर किसी को भी पता नहीं इसका नाम है मम्मी उल्टा बैठ जाना सैम आराम से बैठ जाओ बहुत लग रही है मैं आंख में कहां से लग गई बेटा आंख में तो पट्टी लगी हुई है चलो ऐसा करते हैं जब मैं चीज लाऊंगा तो सैम की आंख मैं बंद कर दूंगा। तो मेरी दूसरी चीज भी आ चुकी है ये अरे मैं बोल देता हूँ बार बार बोलने मतलब बोलने वाला था बोला नहीं तो अब खिलाते हैं दोनों को। तेज हो रहा है तू आग बंद कर लेना कलर बताओ सेम कलर बताओ और आगे कलर बताओ ब्लू तो मम्मी को मिलता है 1 पॉइंट। देखो इसकी आँख में मिर्ची लग रही थी तो इसकी इसका क्या किया है इसके आँख को ढक दिया हमने और अब खिलाते हैं। और ये छोटी सी चीज़ है और इसलिए इसे दिख नहीं रही हो मतलब हल्का हल्का तो दिखता ही है बदली सी चुन्नी है इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे खोल रहा हूँ। आँख बंद तो बोल दिया मैंने मैम आँख बंद रखनी है यकीन नहीं करनी है फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये मेरे से खुल गई है और अब खिलाते हैं दोनों को। आप पहले कर ले आँख बंद हाँ मैंने बोल दिया हाँ पापड़ है पर सैम ने कल का देखा भी था तो ये चीटिंग है पर कोई नहीं पॉइंट दे देते हैं तो सैम को यहाँ पे 1 पॉइंट। और ये गेम होती है यहीं पे ख़त्म। और तो विनर इस गेम का कौन है हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना विनर तो मैं हूँ ना इस गेम की सैम इसे जिता देते हैं क्योंकि ये रोने लग गया। तो इस गेम का विनर है सैम। और नहीं 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 एक और चीज़ है स्कोर तो मुझे वैसे भी पता ही नहीं क्या किसका क्या है मेरे ख्याल से तो दोनों का टाई हुआ पर सैम को विनर बना देते हैं कोई नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और रह गई जो आपको पता ही होगा मिर्ची। तो मम्मी के साथ प्रैंक करते हैं सैम पे नहीं करते क्योंकि सैम वैसे ही रो रहा है इसलिए मम्मी के साथ ही करेंगे खाली। और मम्मी को लगा सैम के आँख पे भी चुन्नी बंधी हुई है तो देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है डर भी लग रहा है मुझे तो। एक चीज़ आपको पता है लास्ट में मैं आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लाया हूँ उसे खाओगे आप
कहोगे कि ये मुझे रोज ला के दे, चलो खिलाता हूँ। डाइट का ही कुछ होगा। चलो खिलाता हूँ, तो ये मैं खिलाने वाला हूँ मम्मी को। मम्मी पानी पी रही हैं। ये भी मैं नहा के निकला और ये सैम सैम भी नहा लिया। ये रहा सैम। मम्मी अभी खा रही हैं चीनी। तो गाइस आप देख रहे हो बारिश आ रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमने प्रैंक कर लिया छोटा सा जो था, और वो चैलेंज भी हमने कर लिया है। और सैम तो भी सो गया है, सैम सो गया था 9 बजे और अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है। और मम्मी टीवी देख रही है, तारक मेहता देख रही है मम्मी। तो आज के लोग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नीचे कोई अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बाय।